हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मक्खन राइस की रेसिपी। आइए बनाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, इसमें डालेंगे टमाटर, ये इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। डालेंगे सूखी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, जब काजू और सूखा धनिया, इसको सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक थोड़ा सा चलाते रहेंगे। आपको डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ठीक है, हमारा मसाला जल ना जाए। ये 80% मसाला गल गया है, अभी इसको हम ठंडा करेंगे और फिर इसको मिक्सर में हम पीस लेंगे। तो गाइस, अभी हमारा मसाला ठंडा हो गया, अभी मिक्सर में इसको पीस लेंगे। तो गाइस, ये ग्राइंड हो चुका है। हम डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच तेल, डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए हरे प्याज की, और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। कटे हुए पनीर, अभी हमने जो प्यूरी बना के रखी थी अभी वो प्यूरी डाल देंगे। इस डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, मिर्च, थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला लिया है मैंने। दो से तीन मिनट इसको पकने देंगे, क्योंकि हमने इसमें सब्जी डाल दी है तो सब्जी को पकने देंगे। तो गाइस, ये ग्रेवी हमारी पक चुकी है, हम अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ा चावल, थोड़े थोड़े से करके चावल डालना है। आप कोई भी चावल ले सकते हो। डालेंगे थोड़ा सा एक नींबू का रस, डालेंगे थोड़े से कटे हुए धनिया, डालना नहीं है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के स्लो गैस पे पकने। तो गाइस, ये हमारा पक चुका है, तो इसको करेंगे हम सर्व। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने बना दिया है, इसका कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है।